ट्वीट करने थे क्यों रहा? ट्वीट ट्वीट तो ऊंचा आदमी बैठा के हो जा रहेगा, देश रहेगा और नहीं तो मोदी रहना देश रहे। अच्छा तो हम बंधवा मजदूर बन जाए इनके एक डेढ़ साल को दो साल को, काहे को हम चले ये चार कदम हमसे कह रहे हैं दो तुम पीछे हटो दो हम हटेंगे, क्यों हट जावे? चारों कदम इन्होंने चले थे, चारों कदम यही हटेंगे। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी, और जिस तरीके से आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और सातवें दौर की बातचीत भी हो चुकी है, बातचीत में सरकार ने कहा है कि हम 50% हम मान चुके हैं और कुछ हम पीछे हटते हैं कुछ और आप पीछे हटे, वहीं दूसरी तरफ जो नेशनल मीडिया लगातार जो है इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अभी एक सुदीप चौधरी डीएनए जो करते हैं उन्होंने कहा है कि इस कानून इस जो आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। भैया हाईजैक करा उनके धोरे फोन आया होगा, हमारे धोरे तो कोई फोन फान आया ना, और जो मैंने पहले भी कहा जो भारत की एजेंसियां वाकई कर रही हैं उन्हें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, इस चीज़ की तह तक पहुंचना चाहिए, तभी तो बोलना चाहिए किसी मुद्दे का जब हम वेरीफाई कर ले कि हाँ ये सही है गलत है, तभी तो हमने बोलना चाह हमने ऐसे नहीं बोलना चाहता। दूसरी बात ये कि हाईजैक करके आप ये सब मैसेज गलत दे रहे हैं दूसरी कंट्रियों में कि हमारे देश के आंदोलन को कोई हाईजैक कैसे कर लेगा आप बताइए, तो गलत मैसेज जाएगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी ने हाईजैक ना कर रखा, हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अब 4 तारीख को बातचीत होगी क्या लगता है इसे बातचीत ही करते रहेंगे कि समाधान में निकालेंगे? चलो इन्हें सद्बुद्धि इतनी तो मिली कि बातचीत करण पे तो आए, तो कुछ बोल ही ना रहे है, ये तो पीछे का गियर ही ना लगा रहे, बोल रहे बैक गियर लगता ही ना आया गाड़ी में, पर चलो उनके गरारी फंस गई, बैक गियर उन्होंने लगान चालू कर दिया, बातचीत भी होंगी और ये काले कानून रद्द भी होंगे, एमएसपी पे कानून भी बनेगा। तो आप भी कह रहे हैं कि बैक गियर नहीं हटेगा, हमारा कानून वापस नहीं लेंगे। जब बैक गियर ना हटते थे दो काय को माने इन्होंने बात, काय को ना मानी काय को मानी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बैक गियर भी लगेगा क्योंकि सरकार भी बौखला रही है कि हमने गलत किया है। आप भी महिला है और नेशनल प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर भी है, और अभी एक खबर आई है जी न्यूज़ नहीं चलाई है कि यहाँ पे अय्याशियों का गैंग बन चुका है, तो क्या लगता है? देखिए वो लोग यहाँ पे करके गए होंगे इसलिए उनको पता होगा, ना हमने यहाँ पे की ना हमारे किसान भाइयों ने की ऐसी हरकतें, ये बिल्कुल जाहिल शब्द जो मैं बोल भी नहीं रहा। कुछ किसान जो है तो सिर्फ जो बैठे हैं किसान मुट्ठी भर है, बहुत से किसान जो समर्थन लगातार कर रहे हैं उनके पास आ रहे हैं, लगातार कृषि मंत्री भी ट्वीट कर करके दिखा रहे हैं कि ये किसान संगठन जो है हमें समर्थन कर रहा है। भैया हमने तो देखिए आप बता दूं, मैं भी यहाँ डेली आती हूँ आप मुझे देखते हैं, और क्या बोलते हैं हमने तो देखे नहीं, वो जो समर्थन करने वाले कुछ देर ने देख रहे थे। कहाँ से लाते हैं भैया वो ट्वीट लावे, वे पैसों में जो जा रहे हैं, पैसों में जो इन्होंने बिठा रखे थे 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए, पैसे इन्होंने दिन के दिए, वे रात में क्यों रुकेंगे? वे तो भाग गए अपने ट्रैक्टर ट्रोले ले लेके, और यहाँ से इतनी दूर बैठे, यहाँ आते हुए हमारे बीच में बैठते, हमें बताते हुए क्यों समर्थन कर रहे हैं या हम क्यों इसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बैठे वो हमारे पास, इनके नेताओं की तो छोड़ो, वे किसान तक तो बैठे ना हमारे। समाधान है इसका, समाधान यही है कि देश हित की बात है, किसानों के हित की बात है और आगे आने वाले युवाओं के हित की बात है कि इसे रद्द करें और बस बाकी बात बाद में करें। अच्छा हम बात कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं तब तक रोड खाली करते क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोगों को देखिए जिन्हें परेशानी हो रही सरकार को कोई परेशानी ना हो रही, रोड हम लोगों ने जाम किया हुआ है, हमने आंदोलन किया हुआ है, हमारे लोगों को परेशानी हो रही है, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आगे आने वाले युवा पीढ़ी के लिए ये सब कुछ हो रहा है, थोड़ी सी परेशानी भैया झेल लो, डेथ वारंट कटने तो बढ़िया आप थोड़ी परेशानी झेल लो, मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सभी से है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे अपने भाई हैं, सहयोग करिए, सरकार को मौका मत दीजिए बोलने का कि पब्लिक को। एक बात क्लियर करूं, तमाम हिंदुस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी एमएलओ को हे परमात्मा सद्बुद्धि दे, वो अपनी बाइट ना दें, अपने विचार ना व्यक्त करें, बल्कि रिजाइन देके केंद्र सरकार को किसानों के समर्थन में खड़े हो। किसान रहेगा देश रहेगा और नहीं तो मोदी रहना देश रहेगा।